श्री अविनाश राघव इनके खिलाफ सीआरपीसी की धारा 144 के तहत प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स उनको एग्जीक्यूट किए गए हैं। उनको पुलिस स्टेशन मुमरा के हद में एंट्री करने से प्रोहिबिट किया गया है। अगर वो पुलिस स्टेशन मुमरा के हद में आते हैं तो उनके अगेंस्ट गुनाह दाखिल हो जाएगा। सर, किस तरीके से लोगों से आह्वान करेंगे शांति बनाए रखने? लोगों से यही आह्वान है, मुमरा ये शांत जगह है, मुमरा की शांति बिगाड़ने की अगर कोई कोशिश करेगा तो उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन लिया जाएगा। सभी लोगों ने शांति और अमन बनाए रखना है। रमजान का महीना है, वो शांति से होगा, इसके लिए सभी लोग प्रयास करेंगे। सर, पुलिस मदद के लिए आप सबके लिए तैयार है। सर, अभी जो कुछ लोग, चार लोगों की टीम आई थी, आपसे क्या बातचीत वगैरह हुई है, उनको किस तरह का आश्वासन दिया गया है आपके द्वारा? हमारे पास चार लोग आए थे, वो चार लोगों ने निवेदन दिया है। निवेदन में उनके वो जांच कर लीगल एक्शन लेने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट की है। और उनको ये भी जब बताया गया कि 144 की ऑर्डर ऑलरेडी एग्जीक्यूट की गई है, तो वो फिर वापस चले गए बिल्कुल शांति से। और वो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि मुमरा में शांति रहेगी, शांति किसी भी हाल में बिगड़ेगी नहीं, इसके लिए वो लोग कोशिश करेंगे। वसीम भाई, आप पुलिस स्टेशन गए थे, डीसीपी सर से बातचीत हुई है, जो मांग थी आप लोगों की एफआईआर दर्ज करने के लिए, अभी मेमोरेंडम वगैरह दिए, क्या बात हुई आपकी, क्या डिटेल है पूरा? नफरत हारी है और प्यार और मोहब्बत की जीत हुई है। डीसीपी साहब ने, गणेश गावड़े साहब ने यह आश्वासन दिया है कि मुमरा शहर के अंदर नफरत फैलाने वाले अविनाश जाधव का दाखिला बंद कर दिया गया है। ये पहली जीत। दूसरी जीत ये भी है कि रमजान के महीने के अंदर जो अल्टीमेटम दिया गया था कि दरगाहों को तोड़ जो ऊपर, जो उसने जो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट ज्यादा तोड़ने का, वो चीज को जो है वो उन्होंने खुद ही अपने आप से पीछे ले लिया है कि अब जो भी प्रशासकीय कार्रवाई होगी उसका हम समर्थन करेंगे। तीसरा जो इसके अंदर ये आया हुआ है, ये देखिए, ये सब प्यार की जीत है। ये जितने भी लोग हैं, अगर मोहब्बत और अमन के साथ यहाँ पर नहीं आए होते आज, तो नफरत जो है वो अपनी आग जला चुकी होती। तीसरी जीत हमारे लिए ये है कि पुलिस प्रशासन ने उन सब लोगों को ये चेतावनी दी है कि आइंदा कोई भी भड़काऊ भाषण आप लोग नहीं देंगे। हम मुमरा की आवाम से और जहां जहां तक के ये मैसेज जाता है, मोतीराम भगत के जरिए से, नीलेश पाटिल के जरिए से, सलमान भाई के जरिए से, जाफर राशिद और यहां पे जितने भी नौजवान थे, खास करके वल्ली शब्बीर खान जो है, उनके जरिए से भी ये बात बोलना चाहते हैं कि हम सब ने एकता के प्रतीक के साथ जो बात कही है और जो प्यार मोहब्बत का पैगाम पहुंचाया, आप उसको संभाल करके रखें, शहर के अंदर अमन अमान कायम रखें, भाईचारा और बढ़ाए। अस्सलाम वालेकुम। वसीम भाई, जो मुमरा के कई लड़कों पर एफआईआर दर्ज करने की बात सामने आ रही थी, उस मामले में भी बातचीत हुई, क्या उसमें आश्वासन दिया गया है? अभी ऑलरेडी उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, जो भी रूमर्स है वो गलत रूमर फैलाई जा रही है। अगर किसी लड़के को ऐसा किसी ने कुछ कहा है तो सीनियर पुलिस स्टेशन के जो पुलिस स्टेशन सीनियर साहब है उनसे आप मुलाकात करें, उनके ऊपर कोई केस नहीं दाखिल हो रहा, उनका स्टेटमेंट लिया जाएगा। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।